दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मणिमन बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा दादा गुरु जी को प्रणाम करें, हमारे साथ बोलेंगे। ओ बागेश्वराय नमः। ओ बागेश्वराय नमः। ओ बागेश्वराय नमः। ओम। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। हमारी ठीक ठाक हो गई। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। ओके, जय श्री कृष्ण। बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। वहाँ बैठे बैठे बात कर रहे थे यहाँ के दरबार के विषय में, और क्या बुलाएंगे, क्या होता है, हीलिंग्स क्या है, ये सब चर्चाएं हम सुन रहे थे। इनको बोल सकते हैं स्पिरिचुअल पावर बाय लॉर्ड हनुमान, वैदिक पावर। आप नजदीक आ जाएं, आप आ जाएं नजदीक। आप तो हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है, माइक ले लो आप, बोलो। एनी क्वेश्चन? बस यही एमएस है। क्या हो गया है? एमएस। इससे क्या होता है? इससे ब्रेन के ये बीमारी है, तो दर्द बहुत दर्द होता है, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। और मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम, उसकी बीवी, मैं सांस
मैं उसकी सास हूँ। हम समझ गए, दामाद हैं। हाँ जी, और मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम है। कोई बात, और कोई बात पूछेंगे आप? पढ़िए। दामाद को पूरे शरीर की नस में दिक्कत, ब्रेन में समस्या बन गई है, शून्यपन आ रहा है पूरे शरीर में। जो प्रश्न लेकर मूलतया आई हैं, कृपा होगी, आराम लगेगा, डॉक्टरी सलाह चलाते रहें, 3 वर्ष में इनको 60% आराम मंत्र चिकित्सा के बल पर लग जाएगा। आशीर्वाद है। और पूरे घर में दिक्कत है। बेटी आए हैं वो क्या? इन्फेक्शन है, डायलिसिस स्थिति हो रही है, बहुत गंभीर हालत हो रही है, दवा भी असर नहीं कर रही, दोनों में दिक्कत बन रही। पहले हम इनका उपाय कर देते हैं, इनके लिए हमें गुरु जी की आज्ञा लगी, तो आज हम मंत्र का प्रयोग इनको कर देते हैं। कल आप उनको लेवा लाना, तो कथा के बाद या कैसे भी बन करके हम उनको झाड़ा लगा देंगे। अभी केवल इनको, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा शरीर सिकुड़ ना जाए, हमको जो दिक्कत बन रही आ रही है, शरीर सिकुड़ जाएगा, शून्यपन हो जाएगा, कोमा की स्थिति में जो लक्ष्य है इसका, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करना है, दुआ और दवा दोनों चलाना है। हनुमान जी निश्चित रूप से कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। आप चिंता मत करो, इसमें एक मंत्र भी हमने लिखा, और इनको मुट्ठी बांधने को बोलो, ये बीच में बहुत शरीर पीड़ा का अनुभव करते हैं, अभी है लिटिल लिटिल, पूछो जरा। यस बोले ना, राम राम राम, दोनों हाथ ऐसे मलो, बोलो माँ, पूरे बॉडी में लगाओ, पूरे बॉडी में बोलो राम 2 times। स्थान छोड़वा दीजिए, अनुभव पूछो अब। How do you feel now? Yeah, उसके बैक में जो दर्द था ना, वो कम हो रहा है, ऐसे बोल रहे। खड़े एक बार करवा दीजिए उनको, एक बार खड़ा करवा दीजिए। 1 time। ये जो दवाई लेते हैं ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जहर है। राम 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 राम, बैक में लगवाओ इनको, दोनों हाथ ऐसे करा के, जो बैक पेन है। पैर में लगाओ, लेग्स, पैर में, या थोड़ा चलो, या वॉक, हाउ फील, हाउ डू यू फील, माइक इनको दीजिए, हाउ फील, बेटर। कल फिर से मंत्र चिकित्सा की इनकी कल या परसों में लेकर आइए, हमें भरोसा है। आप अंग्रेजी में इनको बोल दो, ठीक हो जाएंगे।
और कहे कि ये ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करें, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है इनका और बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्दी पूरा ठीक होंगे, हमें अपने लॉर्ड हनुमान पर भरोसा है। वेलकम, खुश ओके वेलकम। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हम छुड़वा देंगे, ये लकड़ी। वेलकम।